एक राजा की राजकुमारी की शादी का आयोजन हो रहा था। राजकुमारी एक अनोखी शर्त रखती है, जो कोई भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही उसका पति बनेगा। पर गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो नहीं सुना सकेगा उसको 20 कोढ़े खाने होंगे। यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही थी। राजकुमारी का वरण एक ओर और 20 कोड़े दूसरी ओर। राजा ने सभी राजाओं को बुलाया और एक भोज भी आयोजित किया गया। मिठाई और सभी पकवान तैयार किए गए। शादी की सभा में राजकुमारी का स्वयंवर आयोजित हुआ। एक एक करके राजाओं ने आते हुए अपनी गिनती सुनाई। सभी वही गिनती सुना रहे थे जो उन्हें पता थी, लेकिन कोई भी गिनती नहीं सुना सका जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। इस दौरान कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, यह सब सिर्फ मजाक है। राजकुमारी पागल हो गई है और ये केवल हम सबको पिटवाकर अपमानित कर रही है। इस सब के बीच एक हलवाई हंसता है और कहता है, अरे राजाओं शर्म करो, आप सबको 20 तक गिनती नहीं आती। राजा उस पर नाराज होते हैं और कहते हैं, क्या तू गिनती जानता है? अगर हां तो सुना। हलवाई मुस्कुराता है और कहता है, हे राजन, अगर मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? ये स्वयंवर तो केवल राजाओं के लिए है, मैं तो आपके बराबर नहीं हूं। वह इस बात को साबित करने के लिए गिनती सुनाने से इनकार कर देता है। राजकुमारी उसे उकसाती है और कहती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सके तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभी लोग जो इस मुकाबले को देख रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा जाता है। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई गिनती शुरू करता है। एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार योग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, दस दिशाएं, ग्यारह रुद्र, बारह महीने, तेरह रत्न, चौदह विद्या, पंद्रह तिथि, सोलह श्राद्ध, सत्रह वनस्पति, अठारह पुराण, उन्नीस तुम और बीस मैं। हलवाई की गिनती सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वे सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इस गिनती में संसार के सभी वस्तुएं मौजूद होती हैं। इससे साबित होता है कि हलवाई ने न केवल शिक्षा के बल्कि अनुभव के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखा है। इसके बाद राजकुमारी ने हलवाई से शादी कर ली। उसने गिनती सुनाने वाले इंसान को चुन लिया जिसने संसार को पूरी तरह समझ लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं।